सदस्यता चला था तो आपने बीजेपी की सदस्यता ली कि नहीं ली अभी? नहीं, अभी मेरी खुद की सदस्यता नहीं। ठीक। तो अचानक भोपाल में आयोजित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चल रही इंटरनल मीटिंग में पहुंच गई कांग्रेस विधायक निर्मला सबरे। मीटिंग खत्म होने के बाद जब उनसे बीजेपी की सदस्यता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की सदस्य नहीं हूं। आगे उन्होंने कहा कि बीना के हित में ही निर्णय लूंगी, मैं जनता की विधायक हूं, जनता ने मुझे चुना है, जनता जो निर्णय बोलेगी मैं वो करूंगी। सभी को बताना चाहती हूं कि मैं बीना के हित में निर्णय लूंगी, जो मुझे सदन में जवाब मांगा है मैं उसका जवाब सदन में देने वाले दूंगी। बिल्कुल सदन में आप हमें जवाब कर दूंगी। अच्छा, ये मेरा आप लोगों से है, क्योंकि मैं एक सदन की सदस्य हूँ। आप सबसे बोल दी, मैं एक सदन की सदस्य हूँ, मेरा राइट मैच हूँ, अभी वर्तमान विधायक हूँ। अब सदन में चूंकि आप सभी ने मेरे लिए जवाब नहीं किया था, सदन में नेता प्रतिपक्ष मेरे सामने जवाब करते हैं, मैं उनका उत्तर उन्हीं के लिए दूंगी। तो बहुत जल्दी बस इंतजार कीजिए, बहुत अच्छी खबर आने वाली है। मैडम, एक सवाल ये है कि आपने, मैडम एक सवाल ये है कि विधानसभा में आपने हलफनामा दिया है कि आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, कांग्रेस नहीं छोड़ी है। ये किसने कहा कि मैंने ये जवाब दिया है? आपको उसकी कॉपी मिली है? आप तो ये देखिए, चूंकि आप कहते हैं कि मीडिया तीसरी आंख होती है, बिना जवाब की कॉपी लिए मेरे से सवाल मत करिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सारी गलतफहमियां हैं। अगर नेता ने अगर मेरे को जवाब दिया है तो मैंने जवाब मांगा है तो मैंने उनको जवाब दिया है, और जो आप कह रहे हैं वैसा कुछ। तो आप कांग्रेस की सदस्य बनी रहेंगी क्या, आपका कहना? हाँ, देखिए अभी तो जनता निर्णय करेगी कि मैं किस लूंगी। इधर कांग्रेस प्रवक्ता ने निर्मला सपरे को बहरूपिया बता दिया है। उन्होंने कहा कि वो जब बीजेपी कार्यालय में हो रही मीटिंग में जा रही है तो विधायक पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रही। बहुत बड़ी बहुरूपिया है निर्मला सपरे, इतना डर किस बात का है? अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए आप निरंतर काम कर रही हो, कार्यालय जा रही हो, मीटिंग अटेंड कर रही हो, भाषण दे रही हो, सब चीज़ें अखबारों में छप रही हैं, सार्वजनिक रूप से लोग देख रहे हैं, तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या डर है? मैं जानता हूँ, एक ही डर है कि बिकाऊ और टिकाऊ के नाम पर जब चुनाव होगा तो बुरी तरह से आपकी पराजय होगी। वहीं निर्मला सपरे को बहरूपिया बताने पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा भड़क गए। उन्होंने मुकेश नायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये है कांग्रेस का महिला सम्मान। देखिए, मध्य प्रदेश की बीना की विधायक बहन निर्मला सपरे जी ने खुद स्पष्ट कर दिया कि वो दो चार दिन में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगी, लेकिन कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने आज उन्हें बहरूपिया बताया। एक महिला का अपमान है, एक बहन का अपमान है, और उस तरह की शब्दावली ऐसा लग रहा है कांग्रेस का चरित्र हो चला है, महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना। हमने देखा पहले इनके नेता महिलाओं को कभी टंचमाल कहते हैं, कभी आइटम कहते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष खुद जीतू पटवारी रस और चास्टी ढूंढने की महिलाओं में बात करते हैं, अब इनके मीडिया प्रभारी एक बहन के बारे में, एक महिला विधायक के बारे में जो निर्वाचित है उसे बहरूपिया बता रहे हैं। तो कांग्रेस को शर्म आना चाहिए ऐसे शब्द बोलने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर, एक महिला के बारे में, एक बहन के बारे में। निश्चित तौर पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी की टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है, बेहद निंदनीय, और उनको माफी मांगना चाहिए, पूरे महिला जगत से माफी मांगना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने ना सिर्फ एक विधायक का अपमान किया है बल्कि एक महिला का भी अपमान किया है। बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट निर्मला सपरे विधायक चुनी गई थी, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। निर्मला जीतू पटवारी के बयान से नाराज थी जो उन्होंने पूर्व मंत्री इमरती देवी पर दिया था। कांग्रेस से मोह भंग होने पर उन्होंने जीतू के बयान को जिम्मेदार ठहराया था। फिलहाल निर्मला ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, और अब बीजेपी की मीटिंग से बाहर आने के बाद उनके बयान ने सियासी हलकों में फिर से हलचल पैदा कर दी है। भोपाल से रविशपाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।